जो मौजूदा देश के प्रधानमंत्री है, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने ही तो कहा था कि सीबीआई का दुरुपयोग, ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, वो कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं, और अब देश को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रहा। सीबीआई राजनीतिक कामों पर जुटी हुई है। ये सवाल इस वक्त देश के जहन में भी है और इसका उत्तर भी आपको देना चाहिए। बिहार में एक तरफ फ्लोर टेस्ट चल रहा था और उसी दिन सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, ये संजोग था या प्रयोग था? नहीं, ना ये संजोग है ना ये प्रयोग है। आप एक काम करें, बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मैं केवल अभी बात करता हूँ ईडी की, क्योंकि ईडी से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया आजकल लोगों को। मनमोहन नहीं नहीं नहीं, ईडी से मोहब्बत आपके नेताओं को ही, अभी इसका प्रमाण देता हूँ मैं अभी आपको। वो भी बोल लीजिए, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, आपके नेता बोल रहे हैं। आपके नेता तो ये तक कह रहे कि सीबीआई के, सीबीआई बिकी हुई है, सीबीआई बिकी हुई है। मैं नहीं कह रहा, आपके नेता कह रहे, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। लेकिन आपने कहा कि ये संजोग नहीं प्रयोग नहीं, चुन चुन कर छापे मारे जा रहे हैं जैसा कि विपक्ष कह रहा है। कोई एक उदाहरण तो देश के सामने रखिए कि किसी बीजेपी नेता के यहाँ छापा लगाओ। भाई साहब, मुझे कोई बीजेपी नेता इतना बड़ा वाला दिखता ही नहीं कि जिससे घर में AK-47 होगी। अच्छा, मैं AK-47 की बात ही नहीं कर रहा, ये तो AK-47 आज निकली है ना, तो दिखा रहे हैं हम तो ये भी दिखाएंगे। अगर आप चाहेंगे, आप चाहेंगे तो आपने बिहार, झारखंड, दिल्ली सब जगह सीबीआई भेजी, तो आप महाराष्ट्र में भी भेज सकते हैं कि नहीं, गुजरात में भी भेज सकते हैं कि नहीं। आ गए आप पॉइंट पे। अब मुझे बात सुनिए, आप उस समय सर्वोच्च न्यायालय उसको केज्ड पैरट कहता था, क्या आज सर्वोच्च न्यायालय, सीबीआई, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स के विषय में ऐसी कोई टिप्पणी पिछले 8 साल में किया है क्या? नहीं किया है, किया हो तो आप सब बताएं। तो जो हम कह रहे थे वो सीबीआई ने कह रहा था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, लेकिन आपके नेता ने टिप्पणी की है। मैं दिखा देता हूँ, दिलीप घोष, नहीं, नाराज मत होइए, मैं दिखा देता हूँ। दिलीप घोष साहब ने क्या कुछ कहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कहते हैं कि कुछ सीबीआई अधिकारियों को खरीद लिया गया है। आपके नेता कह रहे हैं एक सेटिंग थी, इस बारे में जांच शुरू कर दी गई है, इसी सिलसिले में कुछ अधिकारियों को हटाया भी गया है। केंद्रीय एजेंसी पिछले 2 महीने से बंगाल में जांच कर रही है, लेकिन कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला, ना ही कोई कार्रवाई सामने आई। मुझे लगता है कुछ अधिकारी बिक गए हैं, कुछ लाखों में बिके हैं तो कुछ करोड़ों में। सर, आप ही के नेता कह रहे हैं कि सीबीआई के अधिकारी बिक चुके हैं, तो ये तो विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा। सीबीआई किसके अधीन है? कोई भी एजेंसी दुनिया में, कोई भी व्यक्ति जो है वो गलत रास्ते पे जा सकता है, कोई व्यक्ति भी। यानी आप ही मानते हैं सीबीआई वाले बिके हुए हैं? मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैंने क्या बोला कि जांच चल रही है? अभी तो आपने बोला कि हो सकता है, कहां पर कौन नीट क्लीन हो सब। जब तक के कोई चीज पे जांच पूर्ण नहीं हो जाए तब तक क्यों? यही बात तो है, गुजरात में लाखों करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी जाती है, युवाओं को नशे में धकेलने की साजिश होती है। ड्रग्स आ रही है तो कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी, कहीं ना कहीं जा रही होगी। किसके यहां आ रही है, क्यों आ रही है, कितने की आ रही है, किस लिए जा रही है, और वही गुजरात के अंदर शराब माफिया हावी होते हैं, कईयों की मौत हो जाती है, असल जिम्मेदार कौन है और किसके इशारे पर ऐसा हुआ? क्या गुजरात में ईडी, सीबीआई, आईटी एक्टिव होनी चाहिए या फिर नहीं? मुझे लगता है एक्टिव होगी, और मैं लगता है शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि वास्तव में झूठ नहीं बोलता हूं। मुझे उस विषय पर, मैंने तहकीकात नहीं की कि वहां क्या चल रहा है उस विषय को गुजरात में। अच्छा, गुजरात का नहीं, आपको विपक्ष के राज्यों का ही पता होता है। अगर आपसे मिले बैठक, देखिए जब भी मैं डिबेट में बैठता हूँ आपसे 2-3 घंटे पहले पूछता हूँ विषय क्या है। आप क्या वाकई में कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि गुजरात में क्या चल रहा है, गुजरात में ड्रग्स आ रही है, आपको नहीं मालूम? मैंने उसको अध्ययन नहीं किया, और जब भी आपके डिबेट में, आज कई सालों से बैठ रहा हूँ मैं, तो जब किसी विषय पर अध्ययन नहीं होता मैं साफ बोलता हूँ उसका अध्ययन नहीं मेरा। मसला बिहार का था, लेकिन महाराष्ट्र की विधानसभा भी आज सुर्खियों में रही, पूरे देश को आज ये तस्वीरें हैरान भी कर रही थी।
मैं दिखाता हूँ ठोके। गुरेश भाई ये जो आपस में भिड़ रहे हैं ना विधानसभा में, विधानसभा की सीढ़ियों पर 50 खोके के मुद्दे गूंज रहे थे। 50 खोके आप समझते हैं ना, कि ये तस्वीरों को देखकर आपको हैरानी हुई, 50 खोके एकदम ओके। महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार के खिलाफ विपक्ष के नारे लग रहे थे। इत्तेफाक से महाराष्ट्र में मुबारक हो, आपकी सरकार बन गई है ना, है। और कहा यह जा रहा है ये मसला 50 खोके वाला है, 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। इसकी भी सीबीआई ईडी जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। जो विधायक जिसको मैं लगातार पूछ रहा था कि वो जो विधायक 5-स्टार होटल में नाच रहे थे, गा रहे थे और लोकतंत्र जीत का जश्न मना रहे थे, वो पैसे कहां से आ रहे थे, चार्टर्ड प्लेन कहां से आया, किसने लिया, किसको दिया, वो पैसे कितने खर्च हुए, उसकी भी सीबीआई ईडी जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग की जा रही थी वहां पे। ये मेरी मांग नहीं है कुरेश भाई, ये 50 खोके एकदम ओके। क्योंकि कहा जा रहा है विपक्ष की सरकार वहां है, अगला टारगेट वही है। नहीं, ये ईडी में तो किसी अधिकारी को जानता भी नहीं हूँ, क्यों गलत बात बोल। जैसे जैसे मोदी सरकार का समय बढ़ता जा रहा है, देश को चूना लगाने वाले, चाहे वो नीरव मोदी की बात करें, चाहे वो किंगफिशर वाले की बात करें, ऐसे लोगों की संख्या कम होती जा रही है। हाँ, क्योंकि विदेश में चले गए ना सर, इसलिए। खैर, अभी मैं उस पर नहीं आ रहा। मैं एक बहुत सारे लोग पहले होते थे, लेकिन इनकी संख्या कम होती जा रही है। सर, ये हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है ना कि पूरे देश और पूरे मुल्क की पुलिस जिसको तलाश रही है उसको मिस यूनिवर्स ढूंढ लेती है ना, ये हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है।